डिंडोरी में लड़की के अपहरण पर तनाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने शाहपुर नगर को बंद कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की दुकान को तोड़ दिया है। आरोपी के घर को तोड़ने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी नेता के साथ प्रदर्शन जारी है। भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है डिंडोरी से, जहां एक लड़की के अपहरण के बाद पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने शाहपुरा नगर को बंद कर दिया और घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की दुकान को तोड़ा है। आपको बता दें कि आरोपी के घर को अब तोड़ने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जाम भी कर दिया गया। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे भी इन प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विजय, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा पूरा मामला, क्यों और कैसे अपहरण किया गया युवती का? कोई पुराना संबंध, जान पहचान जिस पर अपहरण का आरोप? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है शाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक युवक पर आरोप है कि उसने युवती का अपहरण किया है। फिलहाल अभी युवक और युवती जो है दोनों लापता हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है। अभी इस मामले में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो आरोपी के जो दुकान थे और आरोपी का एक साथी है, उसके दुकान को उस पर बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया है। और वहीं जो है स्थानीय लोग और उसमें कुछ बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, वो आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने के बाद जो है वो सड़क पर धरने पे बैठ गए हैं। फिलहाल अभी जो है नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग में जाम लगा हुआ है और गांव में जो है भारी पुलिस बल तैनात है। पूरा शाहपुर को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विजय, बताइएगा इस बात की पुष्टि कैसे हो रही है कि अपहरण किया गया है? जो युवक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या, या फिर कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है? जी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पूरा मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है या फिर कुछ और है। तो वही बात की जाए आरोपी के प्रोफाइल की, तो अभी इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। और इस मामले में जो पूरे प्रशासन जो है गंभीरता से पैनी नजर बनाए हुए है। मौके पे खुद SDM, तहसीलदार और बाकी अन्य जो प्रशासनिक अमला है मौके पर डटे हुए हैं और मामले को जो है शांत कराने की कोशिश कवायद चल रही है। प्रशांत जी, शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से। खाली मैदान में एक युवक का शव बरामद हुआ है। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। शव के पास ही मृतक का वाहन भी मिला है और शव के पास खून से लथपथ पत्थर भी मिला है। BSF कर्मचारी के बेटे का ये शव बताया जा रहा है। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला, एरोड्रम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है मैदान से और शव ऐसा नजर आ रहा है कि पत्थर से कुचलकर किसी युवक की हत्या की गई है और शव के पास ही मृतक का वाहन भी मिला है। शव के पास खून से लथपथ पत्थर भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि BSF कर्मचारी के बेटे का ये शव है। रुड्रम थाना क्षेत्र का ये मामला है। रुड्रम थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वाहन पड़ा हुआ नजर आ रहा है और युवक का शव भी पड़ा हुआ है वाहन के पास। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, प्रथम दृष्टया क्या बात नजर आ रही है और क्या उम्र इस युवक की रही है जिसका शव बरामद हुआ है? देखो प्रशांत, इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके का पूरा मामला है और अजय शर्मा के तौर पे शिनाख्त हुई है। मृतक की जानकारी है कि मृतक के पिता BSF में कर्मचारी है और आज इनका शव जो है वो एक खाली मैदान में मिला है। हालांकि पुलिस प्राथमिक तौर पे इस मामले को हत्या का ही मान रही है, चूंकि पास में ही एक पत्थर है पड़ा हुआ मिला है, इनका वाहन लावारिस हालत में मिला हुआ है। उस तमाम बिंदु पर पुलिस फिलहाल पड़ताल की बात करी, जानकारी है कि ये पत्थर से सर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब आसपास इलाके में लगे CCTV खंगाल रही है, उसके साथ साथ अन्य संदेहियों की तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द मामले के खुलासे का दावा पुलिस तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, जल्द जाहिर की जांच की बात हो सकता है कि खुलासा हो जाए कि इसके पीछे कौन है।